नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सिंधु बॉर्डर पर है और यहाँ पर अब शाम का वक्त हो चला है, लेकिन अभी जो यहाँ पर है जो पंजाब से आए हुए बुजुर्ग लोग हैं, सभी की जो उम्र है लगभग 50-55 से ऊपर की है, 70-75 के आसपास के ये लोग हैं और ये सभी सब्जियां काट रहे हैं। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। तो सभी पाजी एक बार सत श्रीकाल कर दो जी, राम राम और कर दो जी एक बार। पाजी क्या लग रहा है, किस तरह से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? सरकार अड़ी हुई है। हाँ जी, सरकार अड़ी हुई है, बस असि भी अड़े हुए प्रॉपर्टी। अच्छा जी, हाँ बस ये रोटी पानी जट जटते हैं, जिम्मे फैसला करे ठीक है, नहीं नहीं होंगे उठ ही रहेंगे, बस घरे घोड़े नहीं जाते है, घरे नहीं जाते, नहीं बस पक्का जी लगे। अच्छा, बहुत है साड़े। क्या नाम आपका? कितनी साल की उम्र होगी आपकी? 90 साल के। अच्छा, यहाँ पर आप जवानों की तरह का अपनी सेवा कर रहे हैं? आपकी 90 साल की उम्र होगी, आपने अपने जीवन में कभी ऐसा आंदोलन या किसानों के प्रति ऐसा कभी सरकार ने दिक्कत करी, कभी रोडों पर देखा? अच्छा, तो अभी सरकार है, लगातार सरकार से जो अपने किसानों के जो नेता है वो लगातार बात कर रहे हैं उनसे, लेकिन अभी तक सरकार किसी निर्णय पर नहीं पहुंची। अब क्या लग रहा है, पेच कहाँ पर फंसा हुआ? किसान लगातार 10 दिन से रोडों पर है, दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या लग रहा है अंकल जी आपको? रद्द करा के जावांगे, तैयार खड़े हैं, बाकी जे ने फैसला करया कंध टप जाएंगे मोदी वाली, मोदी वाली कंध टप जाएंगे, फिर नहीं असि कंध तो मोदी की संसद है, पर मोदी नु छड़दे नहीं हैगे, क्यों पंजाब में लेके जाओगे? मोदी को लंगर खिलाएंगे सेवा में रखोगे? खेत में काम लगाओगे मोदी को? खेत में पता लग जाएगा। अच्छा मोदी को ये बताओगे झोना कैसे होता है, क्यों कैसे करता है? अच्छा, पर किसान कितनी मेहनत करता है वो बताएं उसको। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन जो ये सब किसान हैं और इन्होंने पूरी जिंदगी पूरी उम्र किसानी की है, खेती किसानी की है, और अब यह जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें भी अपनी सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी है। आप देख सकते हैं कि उम्र के लिहाज से कितने जल्दी जल्दी काम कर रहा है, एक युवा भी इससे इतना जल्दी काट नहीं सकता, सभी के अंदर जितना जोश है जुनून है और अपनी सेवा के अंदर लंगर सेवा के अंदर, और ये सब्जी काट रहे हैं गोभी की जो सब्जी है हमारे साथ, और कुछ है अंकल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो जी अगे तो सू पंजाब चो लेना पड़ता समान, तो सू हरियाणा वाले सब कुछ दे देते हैं। अच्छा हरियाणा वाले समान देने लगे, पहले सारी गोभी धक्के नाल सिट के साडे धक्के नाल। अच्छा बहुत है अरे नहीं भाई लो, अच्छा आटा भी सिट गए गोभी भी सिट गए। अच्छा अच्छा, कहते पंजाब को मकाने कुछ लोड़ नहीं, हम इतनी देगा जो कुछ देगा। अच्छा अब यहीं से आने लग गया? हां यहीं से आने लग गया। तो कितना का साथ दे रहे हैं हरियाणा के लोग? बहुत दे रहे हैं जी, बहुत। अच्छा बोले तुम्हारे आने से हमारा हौसला बढ़ गया। अच्छा हमारा बड़ा भाई हमको दबा के रखा था खट्टर सरकार ने। अच्छा तो ये पंजाब के हरियाणा से या आसपास के जो और यूपी राजस्थान है बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन पंजाब का बच्चा बच्चा यहाँ पर आया हुआ है, बहुत सारे ट्रैक्टर आए हुए हैं, पंजाब के ज्यादा क्यों आए हैं? पंजाब से ज्यादा लोग, पंजाब से ही ज्यादा थोड़ा धक्का लग गया, क्योंकि दूसरे सूबों में पहले भी खरीद नहीं था सरकारी की, जो नहीं था जिसका उनको उसको पता नहीं लगा इसमें कानूनों को क्या होएगा। हमारे जो जथेबंदियां है ये पहले से बहुत ही मतलब इन्हें जानकारी है, बढ़िया लिखे ना साढ़े आगू इन्हें जो कानून इन्हें लागू करते ना जी ने सारा कुछ समझ लिया, कानून पढ़े कानून किसानों का कितना नुकसान होगा, उस नुकसान से डर लेके इन्होंने
मतलब जो लागू हुए कानून किसान की जमीन भी जायज हो गई है पूरा पढ़ के आया कारपोरेट कराने पूरा कब्जा कर सकते इस तरह हौली हौली मतलब इस तरह नहीं भी धक्के लगे वो इस तरह जाल से फसा लेने किसानों को किसान हौली हौली अपने आप कहेगा मेरा जमीन ले लो जो पंजाब के जो किसानों के जो नेता है जो किसानों को लीड कर रहे हैं वो पूरे कानूनों को उन्होंने पहले पढ़ा है बहुत बड़ा है और पढ़ने के बाद में लोगों को ये आगे इकट्ठा किया उसके बारे में बताया है कि ये किसानों के लिए नुकसानदायक है तभी इकट्ठा करके किसानों को लेके आए तो गांव से किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया कि सभी लोग आ जाए ताकि हमारे पहले भी जथेबंदियां नहीं था क्योंकि गांव के लोग पूरा प्रचार हो गया सारे लोग पढ़े लिखे हैं जवान भी पढ़े लिखे सब समझते हैं बीए बी एंड पढ़े हैं वो सारा कानून को समझ गए उसने आपके माँ बाप को जो अनपढ़ था उसको समझाया अच्छा ये नुकसान है और बहुत फॉरन में साढ़े बंदे कह रहे हैं बहुत पढ़े लिखे ने उन्होंने दस्या और सभी कह रहे हैं कि विदेशों में जो पंजाब के जो युवा गए हुए हैं पंजाब से जो गांव-गांव से बच्चे गए हुए हैं वो सभी को पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पैसे बेच रहे हैं सामान भी बोल रहे हैं सब कुछ ले रहे हैं सारे जो असी उससे आह कर अपनी एल आई सी बीमा कंपनी उसका शेयर भी बेच दिया और भी बहुत कुछ बेच रहा है जहाजों का एयरपोर्ट भी वो भी प्राइवेट को दे दिया इसलिए एक बचा था कितना खेती का उसको भी प्राइवेट कराने को प्राइवेट कराने को देने का मसला नहीं हौली हौली मतलब भाग जाएगा अपने आप आपने भी पढ़े कानून है जी आपने भी पढ़ा इनको कुछ समझा हमको तो लीडरों ने दसा पढ़ के हमको पास थोड़ा है पर्चे अच्छा लीडरों ने दसा हां लीडरों पास है आपका क्या मानना है कानून जेड़े भी आने कहते ने सब तो इन्ना समान तो लो असि कहने बहुत आ कहने साडा योगदान पाओ इन्ना साडी सेवा पाओ हर हीले सिट के जाते और फिर असि ने पंजाब जाके क्या लेना है हरियाणा को दूध दही का प्रदेश माना जाता था क्या इस तरह का आपने को देखने को मिला लोगों की नाले सानू गोभी सारा कुछ सानू असी राखी रखनी पैंदी है अच्छा भी साडी ट्राली च बहुत समान है भी रह जो भी लै जो धक्के ना सट के ये सामान आप कैसे गांव से इकट्ठा करके लाए कैसे लेके गांव से इकट्ठा करके लाया 6 महीने का सामान है साडे को अच्छा 6 महीने का सानू मोदी के तो डब्बी लेन दी लोड नहीं उरो दिल्ली जो अच्छा हां जी किसान ने जब मोदी के जो हमारे भारत के सरकार के मंत्री उनके साथ मीटिंग हुई तो किसानों ने उनका खाना नहीं खाया वो अपना खाना लेके गए थे जिन्ना चक्कर सानू ये वापस नहीं करदा कानून वापस नहीं लेंदा ऐसे जाएंगे और किसानों ने ये भी बोला कि आप आ जाओ आपको लंगर खिलाएंगे सड़क पर सीधा आप जा लेके जाने अच्छा सारी दिल्ली को रजा देंगे अच्छा आ देख ना जितने गरीब जनता है सारी किसान का खाती है जहाँ पे रोक रोक मतलब दूध दही की गंगा बहा रही है गंगा बह रही है अच्छा दही मेथे परोठे पकाए ने अच्छा ये तो ऐसी व्यवस्था किसानों को रोडों पर मिल रही है तो होटलों में 5-star में बड़े बड़े होटलों में मिलती है अच्छा सारे बंदे आप रोटी बनाने आप ही सारा कुछ तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है कि किसानों का मानना है कि हरियाणा के जो लोग हैं वो भी किसानों का खुलकर साथ दे रहे हैं और जितने भी दूध दही सब्जी लस्सी और जो राशन पानी का सामान है वो हरियाणा के लोग मतलब अगर ये लोग बोलते हैं कि इनके पास सामान है फिर भी धक्के से दे रहे हैं कि ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और वो अपना धरना प्रदर्शन है आंदोलन है वो सुचारू रूप से जारी रख सके और इन्होंने कहा है कि जो NRI में जो पंजाब के युवा गए हुए हैं वो भी इन्हें पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके का अपना सहयोग दे रहे हैं और इन्होंने जो गांव-गांव से राशन इकट्ठा किया है गांव-गांव से घरों में ये के बंदे इकट्ठे गए हैं और फिर यहां पूरा पंजाब का जो किसान है वो फिर यहाँ पर रोडों पर आया है उसके बाद में हरियाणा यूपी राजस्थान सब लोग यहाँ रोडों पर आ चुके हैं
तो अब जो सरकार है किसी निर्णय पर अभी तक पहुंची नहीं है, हालांकि एमएसपी को उस बिल के अंदर संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन मेन कोई निकलकर सामने नहीं आया है कि ये फाइनल निर्णय होगा। अभी अभी 9 तारीख का टाइम दिया गया, देखते हैं क्या होता है, किसानों का आंदोलन कब तक चलेगा, कब तक खत्म होगा। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।